नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं आप सबके साथ नीतू सिंह, और आइए आज के तमाम बड़ी खबरों की तरफ रुख करते हैं। सबसे पहले कोरोना के अपडेट पर नजर डालते हैं, जहां वाराणसी में कोरोना मरीजों का मिलना जारी है। मंगलवार की सुबह 64 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, इससे कुल संक्रमितों की संख्या 4780 हो गई है। इसमें से 85 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 2930 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, इनमें करीब आधे मरीज होम आइसोलेशन में इलाज के बाद स्वस्थ हुए हैं। फिलहाल एक्टिव केस 1765 है। वहीं अगर बात करें भारत की, तो भारत में एक दिन में कोरोना के 66.999 मामले, अब तक 47.033 लोगों की मौत। अगर बात करें विश्व की, तो दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2.08 करोड़ के पार, अब तक के 7.47 लाख लोगों की मौत बताई जा रही है। और अब नजर डालते हैं आज के तमाम बड़े खबरों की तरफ। मुरादगंज में जन्माष्टमी के पर्व पर रहा सन्नाटा। जी हां, उत्तर प्रदेश के जिला औरैया के मुरादगंज चौकी क्षेत्र में ओवरब्रिज के नीचे फफूंद मार्ग से अंदर मुरादगंज मार्केट में हमारे प्रतिनिधि ने जन्माष्टमी के पर्व पर जाकर के निरीक्षण किया, तो वहां पर देखा पूरा मार्केट लगभग बंद था, कुछ ही दुकानें खुली थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 3 दिन पहले 2 कोरोना वायरस के मरीज मिले हुए हैं, तो इस वजह से लोग घरों के अंदर कैद हैं। लोग बाजारों में ज्यादा सामान लेने के लिए नहीं निकले। जो लोग सामान लेने के लिए निकल रहे हैं, वो अपने खुद के वाहन से निकल रहे हैं। देखिए मुरादगंज से विकास सिंह की रिपोर्ट। मैं विकास सिंह यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, जैसा कि हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं। आरटीआई कार्यकर्ताओं ने मास्क वितरण किए। जी हां, यूपी के बदायूं जिला थाना बिलसी के ग्राम बनबेहटा में भ्रष्टाचार मुक्ति अभियान के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने मुख्य प्रवर्तक हरिप्रताप सिंह राठौर, एडवोकेट के पुत्र श्रेयस राठौर के चतुर्थ वर्षगांठ के अवसर पर जनपद भर में 200 से अधिक स्थानों पर मास्क वितरण कर 1000 से अधिक उन परिवारों में मास्क पहुँचाने का कार्य किया, जिन्हें मास्क की वास्तविकता आवश्यकता थी। वहीं सह तहसील समन्वयक अखिलेश सोलंकी ने ब्लॉक समन्वयक भानु प्रताप चौहान एवं अन्य कार्यकर्ताओं के साथ मास्क वितरण कर कोरोना वैश्विक महामारी के प्रति लोगों को जागरूक किया। इस अवसर पर याद राम साक्य, राजवीर सिंह बल्लू सोलंकी, भूरे चौहान, मोहित चौहान आदि लोग मौजूद रहे। देखिए मुजरिया से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। भी गुड़ से गाए जा रहे हैं, हम लोगों के द्वारा जागरूक किया जा रहा है, उनको अपनाए। मैं यही अपील करना चाहूंगा समस्त क्षेत्रवासियों से कि वे ज्यादा से ज्यादा इस गंभीर बीमारी से बचें। जैसे ये मास्क आप बांट रहे हैं, ये आप मतलब हरिप्रताप राठौर साहब बांट रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्ति अभियान की प्रवक्ता है, कि ये मास्क हर गाँव में मतलब बांटे जा रहे हैं कि जहाँ आईटीआई कार्यकर्ता हो वहीं केवल बांटे जा रहे हैं? ये हमारी संस्था के माध्यम से पूरे जिले बदायूं में जो है हर ब्लॉक तहसील पर वितरण किए जा रहे हैं। जहां ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ता हैं, वो अपने ग्राम में वितरण कर रहे हैं, और जो तहसील स्तर के कार्यकर्ता हैं, वो अपने जो है नगर में वितरण कर रहे हैं, ताकि जो है हर गरीब व्यक्ति के पास ये मास्क पहुंच सके और उन व्यक्तियों को जागरूक किया जा सके। ये थे अभी के समाचार, जानेंगे आगे के समाचार एक छोटे से ब्रेक के बाद। फैशन मॉल में आपका हार्दिक स्वागत है। फैशन मॉल सूटिंग शर्टिंग वैवाहिक डिजाइनर साड़ियां, सूट एवं जींस पैंट शर्ट टी शर्ट लोअर स्कर्ट टॉप कोट पैंट शेरवानी के लिए संपर्क करें सैफाबाद पट्टी प्रतापगढ़ यूपी। ब्रेक के बाद पुनः सभी का एक बार फिर से स्वागत है। नजर डालते हैं आज की तमाम बड़े खबरों की तरफ। प्रतापगढ़ प्रयागराज रेल मार्ग ठप, सड़क जाम। जी हां, यूपी के प्रतापगढ़ जिले के कोतवाली थाना अंतर्गत चिलबिला में ट्रैक मरम्मत के कारण बुधवार को कुसमी रेलवे फाटक 35A करीब 8 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। इससे रेल मार्ग
ठप रहा। रेल और जिला प्रशासन की तरफ से गेट बंद होने की सूचना पूर्व में न दिए जाने का खामियाजा आमजनों को भुगतना पड़ा। ट्रैफिक न रोके जाने से प्रतापगढ़ प्रयागराज मेन मार्ग पर लंबा जाम लग गया। बाद में पुलिस ने ट्रैफिक डाइवर्ट किया, तब कहीं जाकर के जाम के राहत मिली। भारी वाहन फिर भी फंसे रहे, जो शाम तक गेट खुलवाने की प्रतीक्षा में सड़क के किनारे खड़े रहे। पैदल और दोपहिया वाहन रेलवे लाइन पार करके किसी तरह निकले। प्रतापगढ़ प्रयागराज रेलखंड स्थित गेट नंबर 53A के अनुरक्षण का कार्य होना था। सेक्शन के PWD MP पांडे ने 7 अगस्त को इसकी सूचना पत्र के माध्यम से जिले के अधिकारियों को दी थी, जिसमें उन्होंने गेट बंद होने और उससे उत्पन्न होने वाले जाम से निपटने के लिए पुलिस बल की मांग की थी। बुधवार को सुबह रेल के लोग पहुंचे और कुसमी क्रॉस गेट बंद कर रेल मरम्मत में जुट गए। इसकी सूचना ना मिलने से लोग बेधड़क फाटक तक चले गए। इनको भी भूपिया मऊ में रोक कर बताया गया, ना ही भगवा चुंगी चौराहे पर, जिससे लंबा जाम लग गया। तब जाकर पुलिस ने ट्रैफिक कंट्रोल करना शुरू किया। देखिए प्रतापगढ़ से विशाल रावत की रिपोर्ट। कुसमी रेलवे क्रॉसिंग पर ये आज बंद है, इसका क्या कारण? हम लोग जो है मेंटेनेंस जो है अब 2 साल करते हैं, तो 2 साल पूरा हो चुका था पूरे, 2 साल बाद कर दिया मेंटेनेंस जो भी होता है करते ही पूरा। हाँ, 2 साल ये कब से हुआ? ये 2 साल पहले हुआ था, अभी 2 साल पूरा होने के बाद उसी शुरू करते मेंटेनेंस करेंगे, पैकिंग करा के हम लोग ट्रैक अभी से अंतिम हो जाता है। जी 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 जी, करने के लिए हम लोग जो है ये साफ परमिशन लिए हैं। जी जी, और PSP का कभी आदेश है। कितने बजे से आज काम लगा? आज तो लगा है। कब तक पूरा होने की उम्मीद है? 5:30 तक। इस पर रेल संचालन की क्या व्यवस्था बाधित है कि? रेल बाधित नहीं है, रेल संचालन चलता है। काशन पर काशन लगा हुआ है। आपका शुभ नाम? पद क्या है आपका? भूमि पूजन कर डैम निर्माण का किया गया शुरुआत। जी हाँ, ग्रामीण ने लिया संकल्प, जन सहयोग से बनाएंगे बांध गौरैया डैम। जी हाँ, भूमि पूजन कर डैम निर्माण का किया गया शुरुआत। औरंगाबाद जिले के देव प्रखंड के बनुआ पंचायत के साथ साथ विभिन्न पंचायतों के किसानों ने सरकार से आशा छोड़कर जन सहयोग से बांध गौरैया जंगल में 2 पहाड़ों को जोड़कर डैम बनाने का निर्णय लिया है। मंगलवार के दिन एकत्रित किसानों ने गाजे बाजे के साथ भूमि पूजन किया एवं भूमि पूजन में हजारों की संख्या में किसानों ने भाग लिया। इस क्षेत्र में एक बड़ी आबादी कृषि पर भी निर्भर है। उपस्थित किसानों ने बताया कि हम लोगों के पास खेत तो है, खलिहान नहीं है और इस पर यहाँ के किसी भी जनप्रतिनिधियों का ध्यान इन किसानों पर नहीं है। इस समस्या के कारण युवा नौजवान किसान हैदरचक निवासी अशोक कुमार यादव के ग्रामीणों को एकत्र कर बूढ़ा बूढ़ी बांध में प्रेरणा लेते हुए किसानों ने जन सहयोग से बांध गौरैया बांध को बनवाने का विचार किया। बांध गौरैया मंदिर के प्रांगण में बांध का निर्माण करने के उद्देश्य से किसानों की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि संजय सज्जन, गोवर्धन यादव, कामत प्रसाद सिंह, उमेश कुमार यादव, राजेश पासवान के साथ हजारों की संख्या में किसान ने भाग लिया। बैठक में बांध गौरैया संघर्ष समिति का गठन किया गया। देखिए औरंगाबाद से वीरेंद्र यादव की रिपोर्ट। आज देखें कि आज़ादी से आज तक यहाँ पे कोई सिंचाई की साधन न है और जनता यहाँ त्रस्त है। इसके देखते हुए मैं गांव-गांव में घूमा और सलाह लिया और बहुत तरह से किसान संगठन से मुझे सहयोग मिल रहा है और इसी उपेक्षा के साथ मैं इस बांध को स्वयं एवं जनताओं के मदद से, श्रम योगदान से, आर्थिक योगदान से इस बांध को निर्माण करना चाहता हूँ। मामूली बात पर दबंग ने युवक को पीटा। जी हाँ, खबर अमेठी से है, जहाँ मामूली बात पर दबंग ने युवक को पीटा। पीड़ित का आरोप है कि कुछ लोग तालाब में मछली पकड़ रहे थे, वो खड़ा होकर देख रहा था, तभी पीछे से आए दबंग ने कहा, तुम हमारी लोकेशन देते हो? जब तक पीड़ित कुछ समझ पाता, इतना कर लाठी से पीटने लगे। वहीं पीड़ित के परिवार जनों ने थाने में तहरीर दी है, जिसके बाद घायल युवक को मेडिकल जांच के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जामू भेज दिया गया है। पूरा मामला जामू थाना क्षेत्र के गोरियाबाद गाँव का है। देखिए अमेठी से कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है? आपको चोट लगी है? क्या है पूरा मामला? हम जा रहे थे गाड़ी से, बस वहीं मछली पकड़ रहे थे, कुछ लोग में ठाड़ हुआ। उसके बाद मैं ठाड़ था, वहीं देख रहा था। उसके बाद बंत्री के साथ दिग्विजय संजय आए साथ, उसे पीछे से आए, मेरे ऊपर मारने के बोला, तुम ट्यूशन देते हो? किस चीज़ से मारा पीटा है? डंडे से लग से। कौन सी लोकेशन देते हैं ये नहीं बताया? साहब मुझे नहीं पता कौन सा लोकेशन है। क्या चाहते हैं? साहब मैं चाहता हूँ कड़ी से कड़ी सजा दी जाए।
क्या नाम है, क्या नाम है आपको? हमारा नाम सर सुलेमान है। क्या आपका लड़का जो हमारा पिटा गया है, क्या है पूरा मामला? जी हमारा लड़का घर से गया, वहाँ मछली पकड़ी जा रही सड़क के ऊपर, उसको देखने लगा लोकेशन सिंह आए और वो क्या करते हैं बोला कि तू मेरा लोकेशन करते हो और हमारे लड़कों को मारना शुरू कर दिया। कौन मारा पिटा है? दुर्गेशन और उसके संजय और बद्री विशाल तीन थे। तो आपने कहीं पे शिकायत की? साहब आ गए, हमने थाने में अप्लीकेशन दिया और आके उसका डॉक्टरी करा रहे हैं। क्या चाहते हैं? उचित से उचित कार्रवाई किया जाए। खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा, लेकिन उससे पहले YouTube, Facebook, Twitter, Instagram पर लाइक कमेंट जरूर करें। आगे खबरों के साथ बने रहें, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।